पिछले 9 घंटे से सोशल मीडिया पीएम मोदी के एक ट्वीट से हड़कंप मचा हुआ है और लोग उसमें नजर गड़ाए बैठे हैं। इस ट्वीट के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म छोड़ने के संकेत दिए हैं। इसके बाद बहस शुरू हो गई, एक जंग छिड़ गई है सोशल मीडिया पर कि ऐसा क्यों लिखा गया है। क्या पीएम सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल से दुखी है या फिर उनके दिमाग में कोई और नया आइडिया चल रहा है। बहुत बड़ा कैनवास है, बहुत बड़ी ताकत है। सोशल मीडिया का ये सबसे बड़ा बेनिफिट मुझे ये है कि मुझे कॉमन मैन की जो सेंस है, हाँ, उसकी जो क्रिएटिविटी है, उसका एनालिसिस। जब सकारात्मक रूप से सोशल मीडिया का उपयोग करने की बात आती है तो हम उस दिशा में हमेशा अग्रणी हैं, अग्रणी रहेंगे और ये हमारी जिम्मेवारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस ट्वीट के बाद सोशल मीडिया पर पीएम के चाहने वालों के ट्वीट्स का तूफान आ गया, हंगामा हो गया, सियासी बवाल मच गया। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब चलाने वालों को यकीन नहीं हो रहा था, जो दुनिया में ट्विटर और फेसबुक का नायक हो वो कैसे सोशल मीडिया छोड़ने की बात कर सकता है। अब सवाल उठ रहे हैं, बहस हो रही है, बवाल मचा है। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोशल मीडिया से संन्यास ले लेंगे? क्या रविवार को सोशल मीडिया को अलविदा कह सकते हैं पीएम? क्या रविवार को कोई नया आइडिया लेकर आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जैसे ही रात को 8:56 ट्वीट किया कि आने वाले रविवार को सोशल मीडिया छोड़ने पर विचार कर सकते हैं, सोशल मीडिया पर बवाल मच गया। पीएम मोदी ने लिखा, इस रविवार फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर सोशल मीडिया अकाउंट्स को छोड़ने की सोच रहा हूँ, आप सभी को पोस्ट करता रहूँगा। इसके बाद तो बाढ़ आ गई ट्वीट करने वालों की, जिसमें पीएम से सोशल मीडिया से नहीं छोड़ने की गुजारिश की जा रही थी। कोई कह रहा था, आपने तो हमें सोशल मीडिया पर चलना सिखाया। कोई कह रहा था, आपने तो हमें सोशल मीडिया पर बोलना सिखाया। ऐसा सिर्फ इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर प्लेटफॉर्म से बताते हैं कि सोशल मीडिया की ताकत क्या है। आज सोशल मीडिया की ताकत है कि किसी भी सरकार को वो गलत करता है तो रोकता है, गलत करने से डरता है और गलती सुधारने का अवसर पहले 5 साल में एक बार चुनाव के बाद होता था, आज हर 5 मिनट के बाद होता है। पीएम मोदी के एक ट्वीट ने सबको चौंका दिया। पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा कि आने वाले रविवार से वो अपना सोशल मीडिया अकाउंट बंद करने की सोच रहे हैं। आपको बता दें, सोशल मीडिया पर पीएम मोदी को जबरदस्त लोग फॉलो करते हैं, करोड़ों की तादाद में फॉलो करते हैं। और अगर हम ट्विटर की बात करें तो ट्विटर पर ही पीएम मोदी को फॉलो करने वालों की संख्या करीब 5,33,00,000 के करीब है। और जब पीएम मोदी ने ट्वीट किया तो जबरदस्त रिएक्शन देखने को मिली और ट्विटर पर जबरदस्त रिएक्शन आने लगे। दूसरी तरफ अगर हम फेसबुक की बात करें तो फेसबुक पर भी पीएम मोदी के फॉलोअर्स की संख्या 4,47,00,000 के करीब है, यानी यहां भी जबरदस्त फैन फॉलोइंग पीएम मोदी की है। और अगर हम इंस्टाग्राम की बात करें तो इंस्टाग्राम पर भी जबरदस्त फैन फॉलोइंग है, यहां पर भी 3,52,00,000 के करीब यहां पर इनके फॉलोअर्स हैं, इनको फॉलो करते हैं इंस्टाग्राम पर। प्रधानमंत्री मोदी का सोशल मीडिया पर ऐसा जलवा है कि विरोधियों को अब तक उसका जवाब ही नहीं सूझ रहा है। 2014 में ये कहा जाता था कि मैदान के साथ साथ कांग्रेस सोशल मीडिया की लड़ाई भी हार गई और उसके बाद ही राहुल गांधी सोशल मीडिया पर आए। और कल जब पीएम मोदी का ट्वीट आया तो राहुल गांधी अपने सवाल और प्रहार दोनों एक साथ लेकर आ गए। नफरत छोड़िए, सोशल मीडिया नहीं। राहुल गांधी कुछ भी बोले लेकिन पीएम के ट्वीट के बाद मोहल्लों में, नुक्कड़ों में, ट्रेन में, बाजार में, हर तरफ इस बात पर बहस शुरू हो गई है कि प्रधानमंत्री ने ऐसा क्यों कहा। क्या सोशल मीडिया पर फैल रहे अफवाहों की वजह से ऐसा फैसला लिया गया? क्या सोशल मीडिया पर गाली गलौज और धमकाने वाले पोस्ट से परेशान है पीएम? सोशल मीडिया के इस सुपरस्टार के इस ऐलान के बाद सनसनी फैल गई। देखते ही देखते प्रधानमंत्री का ये ट्वीट रिट्वीट किया जाने लगा, कमेंट आने लगे, लोग लाइक करने लगे।
सिर्फ एक घंटे में 17,300 बार रिट्वीट हो गया, 52,800 बार लाइक किए गए, 33,500 कमेंट, वो भी सिर्फ एक घंटे में। प्रधानमंत्री ने ये ट्वीट ठीक 8:56 पर किया था और 9:55 पर कई हैशटैग के साथ टॉप ट्रेंड करने लगा। मतलब एक ही घंटे में लाखों लोग अलग अलग तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ट्वीट पर प्रतिक्रिया देने लगे। मोदी जी और नो सर के नाम का हैशटैग ट्रेंड कर रहा था। कोई 13 मिलियन लोग प्रधानमंत्री की बातों को अलग अलग तरीके से सुनते हैं। प्रधानमंत्री को चाहने वाले, उनके समर्थक और उनके प्रशंसक उनकी बातों को रिट्वीट और लाइक करके आगे बढ़ाते हैं। सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री के कितने फॉलोअर्स हैं, अब वो भी जान लीजिए। ट्विटर पर 5,33,00,000 फॉलोअर्स, फेसबुक पर 4,47,00,000 फॉलोअर्स, इंस्टाग्राम पर 3,52,00,000 फॉलोअर्स, तो वहीं यूट्यूब पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 45,00,000 सब्सक्राइबर्स हैं। करोड़ों लोग ऐसे हैं जो प्रधानमंत्री को फॉलो करने के बाद ये उम्मीद रखते हैं कि वो अपनी बात सीधे सीधे प्रधानमंत्री तक पहुंचा सकते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री के इस नए ऐलान ने लोगों की उम्मीदों को कमजोर कर दिया। सोशल मीडिया का ये सबसे बड़ा बेनिफिट मुझे ये है कि मुझे कॉमन मैन की जो सेंस है, हाँ, उसकी जो क्रिएटिविटी है, उसका एनालिसिस है, ये समझने में बड़ा। बनना क्या होता है, ये बनी बनाई लोगों की जो परोसी हुई चीज होती थी जी, 5-star फूड जैसा होता था वो, ये एक प्रकार से फुटपाथ पर का जो चने चबेने और पकौड़ा होता है, हाँ हाँ, वैसा सोशल मीडिया का मटेरियल होता है। फिनिश नहीं होता, लेकिन उसमें से आपको सच्चाई हाथ लगती। चर्चा ये भी हो रही है कि रविवार को प्रधानमंत्री कुछ नया ऐलान कर सकते हैं। अब नया ऐलान क्या होगा? क्या ऐसा कुछ हो सकता है कि चीन की तरह भारत का अपना कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो जिसको लेकर वो कोई नई बात लाने वाले हों? उस आयाम की ओर भी सोशल मीडिया पर चर्चा शुरू हो गई है कि क्या नया आइडिया लेकर आ रहे हैं सोशल मीडिया के शहंशाह। तो प्रधानमंत्री को ट्वीट किए करीब करीब 12 घंटे हो चुके हैं, ऐसे में फिलहाल क्या हो रहा है सोशल मीडिया में, जानने के लिए सीधा रुख करते हैं मेरी सहयोगी मीनाक्षी का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ट्वीट को 12 घंटे का वक्त हो चुका है। 8:56 पर कल रात को ये ट्वीट आया था, उसके बाद से हम आपको बताते हैं कितने रीट्वीट हो चुके हैं। 43,000 से ज़्यादा रीट्वीट हो चुके हैं, 144,000 से ज़्यादा इसे लाइक किया जा चुका है। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि लगातार इस ट्वीट के बाद ओपिनियंस की, क्रिटिसिज्म की और साथ ही साथ रिक्वेस्ट की बाढ़ सी आ गई है। और क्रिटिसिज्म की अगर हम बात करें, उससे पहले हम अमृता फडणवीस का एक ट्वीट आपको दिखाना चाहेंगे जो उनको फॉलो करती हैं, उनको रिस्पेक्ट करती हैं। उसके बाद वो क्या कहती है, समटाइम्स इट्स द स्मॉलेस्ट डिसीजन दैट कैन चेंज आवर लाइफ फॉरएवर। कभी कभी एक छोटा सा फैसला आपके जीवन को पूरी तरीके से तब्दील करके रख सकता है, अमृता फडणवीस ये कहती है। और साथ ही साथ ये भी कहती है कि अगर वो छोड़ेंगे ट्विटर, नरेंद्र मोदी, तो वो भी उसी पथ पर चलेंगी, शी विल ऑल्सो फॉलो दैट पाथ। राहुल गांधी की बात करें तो उन्होंने कहा गिव अप हेटरेड नॉट सोशल मीडिया अकाउंट, वो ये कहते हैं। इसके अलावा अधीर रंजन चौधरी की अगर हम बात करें तो उन्होंने कहा कि मोदी जी न्यू प्लॉय ऑफ लीविंग सोशल मीडिया इज टू डाइवर्ट अटेंशन फ्रॉम द बर्निंग इश्यूज, यानी जो अभी करंट मुद्दे चल रहे हैं पूरे देश में, चाहे वो दिल्ली के दंगे हों, फिर चाहे वो GDP ग्रोथ की बात हो, उन सभी मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए ये काम किया जा रहा है। और इस तरीके के कई सारे ट्वीट आप देख सकते हैं हो रहे हैं। और फेसबुक पर उनकी फॉलोवर्स की संख्या इतनी ज़्यादा है, ना सिर्फ फेसबुक पर बल्कि इंस्टाग्राम की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी 35.2 मिलियन फॉलोवर्स हैं। यहाँ पर भी उन्होंने जब ये पिक्चर पोस्ट की उसके बाद से रिएक्शंस की बाढ़ आ गई है। अमित, तो ये कहा जा सकता है कि इस वक्त हर किसी की निगाहें हैं आने वाले रविवार को कि नरेंद्र मोदी क्या फैसला लेते हैं। होना ही चाहिए, क्योंकि आपको बता दें कि प्रधानमंत्री के अगर हम ट्विटर अकाउंट्स की बात कर लें या फिर फेसबुक अकाउंट की बात करें, सबको मिलाकर उनके करीब 13 करोड़ से ज्यादा फॉलोअर्स हैं इन तीनों में, इंस्टाग्राम मिलाकर। और वो दुनिया में ओबामा के बाद दूसरे सबसे बड़े लीडर हैं, या हम कह सकते हैं कि नेता हैं, जिनको दुनिया इतनी बड़ी तादाद में फॉलो करती है। अब देखना होगा कि रविवार को क्या होता है।